Assalamu alaikum. My name is Javed Iqbalewan. Dr. Web Application in ASP.NET MVC में आप लोगों का वेलकम करता हूँ. लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने डॉक्टर वेब फॉर्म एप्लीकेशन के लिए एंटिटीज़ बनाई थी, और एंटिटीज़ बनाने के बाद जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा था. तो मैंने जंजू गेट पैकेज से भी इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा था, वहाँ पे भी एरर जनरेट हो रहा था, और हमने कंसोल से भी किया था तो वहाँ पर भी एरर आ रहा था. तो मैंने वहाँ पे आके रिकॉर्डिंग को रोक दिया था. मैंने कहा कि मैं आपसे कहा था कि भाई मैं इसको सर्च करता हूँ क्या है, क्या इशू आ रहा है. जब मैंने सर्च किया तो मुझे मालूम चला कि हम जो डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या एंटिटी फ्रेमवर्क हम इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो कंसोल से करते हैं या मैनेज एजुकेट पैकेज से करते हैं, तो वो क्या करता है, लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करता है. लेटेस्ट वर्जन जो इस वक्त चल रहा है वो आपके VS 13, जो मेरे पास जो वर्जन है वो है विजुअल स्टूडियो 2013 पर मैं काम कर रहा हूँ. जो 13 पर जो मैं काम कर रहा हूँ तो ये 13 जो है अल्टीमेट 13, इसके ऊपर लेटेस्ट वर्जन सपोर्टेड नहीं है एंटिटी फ्रेमवर्क का. तो मतलब है कि अगर आपको आप काम कर रहे हैं 15 पे, VS 15 पे, या 17 पे, या 19 पे कर रहे हैं, तो फिर मसला नहीं है. आपके पास लेटेस्ट वर्जन जो आपके पास इस वक्त एंटिटी फ्रेमवर्क का है 6.3, वो इंस्टॉल हो जाएगा, वो इशू नहीं है. लेकिन VS 13 के लिए जो डिफ़ॉल्ट एंटिटी फ्रेमवर्क जो दी जा रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो दी जा रही है 6.2.0. और जब हम यहाँ से आके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से कर रहा था, और हम यहाँ से मैनेज एजुकेट पैकेज से भी कर रहे थे, और हम यहाँ से एंटिटी फ्रेमवर्क को सर्च कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉल करेगा. जब वो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेगा तो उसने हमें एरर दे दिया था कि भाई लेटेस्ट वर्जन जो है क्योंकि उसमें सपोर्टेड नहीं है. लेकिन वो अच्छी चीज़ लिख नहीं रहा था, क्योंकि मैं आपके सामने उसको पढ़ भी रहा था कि क्या इशू आ रहा है, लेकिन वो उसको लिख नहीं रहा था. तो जब मैंने उसको नेट पर सर्च किया तो मैं मालूम चला कि VS 13 पे जो है वो ये वर्जन सपोर्टेड नहीं है, इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा 6.2.0. तो वो यहाँ से इंस्टॉल नहीं होगा. या तो आप यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क 6.2.0 सर्च करें और फिर वो मिले, फिर उसको इंस्टॉल कर लें. और उससे भी आसान तरीका ये है कि आप मैनेज कंसोल पे आ जाएं, मैंने पैकेज मैनेजर कंसोल जो कि हमें यहाँ पे टूल्स के अंदर पैकेज मैनेजर पे आके पैकेज मैनेजर कंसोल जो मिलता है, हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमें सिर्फ फ़र्क ये करना पड़ेगा कि आपने पहले तो वही लिखना, आपने कहा इंस्टॉल डैश पैकेज, और फिर आपने वही लिखना है एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर आपको वर्जन डिफाइन करना पड़ेगा. अब आपने लिखना है वर्जन 6.2.0, यानी 6.2.0. अब जब मैं एंटर करूँगा तो ये अपना एंटिटी फ्रेमवर्क, यानी इंस्टॉल डैश पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क, और उसके बाद आपने लिखा डैश वर्जन 6.2.0, तो अब ये 6.2.0 इंस्टॉल करेगा जो कि इस पर सपोर्टेड है, और कोई एरर जनरेट नहीं होगा. देखिए इंस्टॉल हो गया. अब ये मुझे कह रहा है कि सबको अपडेट करने का, तो मैं नहीं भी करूँ तो ज़रूरत नहीं, नोट वाल कर दें. अब देखें यहाँ पर आके हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया. जब एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया तो मैं यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी कॉल कर लेता हूँ. हमने कहा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL डेटा डॉट एंटिटी के नाम से जो हमारे पास लाइब्रेरी है वो हमने कॉल कर ली. इस लाइब्रेरी के अगेंस्ट में हमें क्लास मिलती है DbContext की. हमें DbContext की क्लास मैंने कॉल करके से इनहेरिट कर दिया इस क्लास को, जिसको मैं डेटाबेस क्लास यानी डेटा एक्सेस लेयर क्लास बनाना चाहता हूँ, वो बना दिया मैंने इसको. कुछ मैंने एंटिटीज़ में भी चेंजिंग की है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा उस एंटिटीज़ को भी. और इसे मैंने ये क्लास भी चेंज की है क्योंकि मैं इसको सर्च कर रहा था क्या है, क्या मसला है. तो कुछ एंटिटीज़ में भी मैंने चेंजिंग के साथ साथ जो मुझे समझ में आया कि भाई इस एप्लीकेशन में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो कुछ मैंने चीज़ें इजाफा की है. पिछली चीज़ों में कुछ चीज़ें ज़्यादा की हैं, एंटिटीज़ को इजाफे की है, तो वो भी मैं दिखा दूँगा आपको. तो फिर इसके बाद यहाँ पर आके हमें कॉल करना है. मैं पहले सबसे पहले आके web.config फाइल में, जहाँ हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को लास्ट क्लास में रिमूव कर दिया था, तो मैं कनेक्शन स्ट्रिंग बनाता हूँ पहले यहाँ पे आके. हमने कहा कनेक्शन स्ट्रिंग, और मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को नाम देता हूँ. मैंने कहा ऐड नेम और मैंने यहाँ से दे दिया CS का नाम दे दिया. फिर हमने कहा कनेक्शन स्ट्रिंग, फिर हमने कहा डेटा सोर्स, हमारे सर्वर का नाम डॉट है, फिर हम जो डेटाबेस बनाना चाहते हैं वो हमने कहा इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू, और मैंने कहा DbOnline डॉक्टर के नाम से मैं डेटा बनाना चाहता हूँ, डेटाबेस बनाना चाहता हूँ. फिर हमने कहा यूज़र ID हमारे पास SA का है, और पासवर्ड हमारे पास है 123. फिर मैं प्रोवाइडर नेम दूंगा, हमने कहा प्रोवाइडर नेम, हमने कहा सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ठीक है जी.
तो ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को नाम मैंने पास कर दिया सी एस के नाम से। कनेक्शन स्ट्रिंग में मैंने कहा डेटा सोर्स जो हमारे सर्वर का नाम है, सर्वर का नाम दे दिया। डेटाबेस जो मैं जिस नाम से बनवाना चाहता हूँ उसका नाम मैंने रख दिया इनिशियल कैटलॉग, और इनिशियल कैटलॉग के बाद मैं यहाँ पे चाहे इसके हम डेटाबेस भी लिख सकते हैं। और मैंने कहा डी बी ऑनलाइन डॉक्टर के नाम से डेटाबेस क्रिएट करवाना चाहता हूँ। यूज़र आई डी मेरे सिस्टम की एसक्यूएल सर्वर की है, एसए और पासवर्ड जो है 123 है। फिर प्रोवाइडर में हमने जो एसक्यूएल की जो हमारी लाइब्रेरी है हमने कॉल कर दी सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अपनी कनेक्शन डेटा एक्सेल लेयर वाली जो क्लास है हमारी, हम उस क्लास में जाएंगे और यहाँ मैंने कुछ कोड किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपके सामने समझाता हूँ आपको कि सबसे पहले ये है कि देखें, एक तो ये था कि हम चाहे तो इसको इस क्लास का नाम सी एस रख देते हैं या कोई भी वो नाम रख देते हैं जिस नाम से हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है। तो एक तो हमारे पास ये सॉल्यूशन होता है ना, जिससे पहले हमने आपको बताया था कि आप कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नाम जो भी रखेंगे उस नाम से आप इस क्लास का नाम भी वही रख देंगे। इस नाम उस नाम से आप जो क्लास क्रिएट करेंगे डेटा एक्सेस लेयर वाली जो क्लास होगी उसका नाम और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, कनेक्शन स्ट्रिंग में जो नाम दिया उस दोनों का नाम अगर आप सेम रखेंगे तो फिर इसका मतलब है कि डायरेक्टली वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग को फॉलो करेगा और वहाँ से डेटाबेस को एक्सेस करेगी ये क्लास हमारे पास। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में आके बेस का कीवर्ड मिलता है हमें, आप यहाँ पे आके बेस का कीवर्ड दोगे और बेस के कीवर्ड के कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ बेस का कीवर्ड लगाओगे और उसके बाद अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दोगे तो फिर इससे मतलब आप क्लास का नाम कुछ भी रखो, क्लास का नाम कुछ भी रखो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप आके बेस के साथ अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम पास कर दोगे। ठीक है जी, नंबर एक बार। फिर जब हम कंस्ट्रक्टर लेते हैं तो फिर हमारे पास एक मेथड होता है जो हम ये देते हैं कि अगर हमारे डेटाबेस में कोई चेंजिंग आती है तो इसके बदले में फिर हमारे उस डेटाबेस को पूरा चेंज कर दिया, दोबारा से बना दिया जाए। तो हमारी क्लास होती है ड्रॉप क्रिएट डेटाबेस इफ मॉडल चेंजेस, और यहाँ पे हम अपनी लाइब्रेरी ये वाली क्लास कॉल करेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी एंटिटीज़ में मैं चेंज करूँगा या कोई भी मैं टाइप चेंज करूँगा या कोई भी मैं इस चेंजिंग करता हूँ तो दैन उस सूरत में जब मैं माइग्रेशन करूँगा और माइग्रेशन के ज़रिए से मैं अपडेट करूँगा डेटाबेस को तो जो भी मैंने उसमें चेंजिंग की होगी तो उसके अगेंस्ट में नया डेटाबेस बनेगा और सारी एंटिटीज दोबारा बनाएगा और सारी नया डेटाबेस बना के उसको पूरा चेंज कर देगा। इसका मतलब मुझे जो है वन बाई वन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको चेंज कर देगा। लेकिन अगर मुझे मेरी कोई चेंजिंग नहीं होती है एंटिटीज़ में तो देन उस सूरत में वहाँ पे कोई चेंज नहीं करेगा। तो एक क्लास इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है जिसका नाम है इस क्लास का ड्रॉप क्रिएट डेटाबेस इफ मॉडल चेंजेस, और ये क्लास हम कंस्ट्रक्टर में जो हम अपनी डेटा एक्सेस लेयर है उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करते हैं। डेटाबेस के यहाँ पे जो है क्लास के थ्रू में पास करते हैं। तो डेटाबेस की हमने क्लास ली, डेटाबेस की क्लास लेने के बाद उसके बाद हमने कहा डॉट सेट इनिशियलाइजर, तो डेटा डॉट एंटिटी के अंदर ये जो क्लास है डेटाबेस की ये हमारे पास ये भी डेटा डॉट एंटिटी की लाइब्रेरी में होती है। ठीक है ना, हम जब यहाँ पे सिस्टम जो डेटा डॉट एंटिटी की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो देन उसके अगेंस्ट में हमारे पास यहाँ दो ऐसी क्लास है जो मैं इस लाइब्रेरी की यूज़ कर रहा हूँ। एक कर रहा हूँ डी बी कॉन्टेक्स्ट की क्लास जिसे मैं इस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ, और दूसरा मैं यूज़ कर रहा हूँ डेटाबेस की क्लास को। देखिए डेटाबेस की क्लास भी आपके पास डेटा डॉट एंटिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके बाद इसका एक मेथड है सेट इनिशियलाइजर का, आपका जो है वो जेनरिक मेथड है और उसके आर्गूमेंट पे आप अपनी क्लास पास का नाम देते हो, फिर आप इसके जो है वो इसका इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हो। डेटाबेस की क्लास का कंस्ट्रक्टर बना के न्यू के जरिए से कंस्ट्रक्टर कॉल करके और आप उसको यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहे होते हो। इसमें इसमें तीन है, तीन मेथड होते हैं। एक तो ये भी होता है ड्रॉप क्रिएट डेटाबेस सिर्फ दे सकते हैं, और अगर इफ़ मॉडल चेंजेस के साथ में एक और क्लास है जिसमें साथ में इफ़ मॉडल चेंजेस का है कि अगर चेंजिंग हो तो तभी ड्रॉप नया डेटाबेस क्रिएट करना है। लेकिन अगर आपने इसमें एक क्लास और होती है ड्रॉप क्रिएट डेटाबेस की, अगर आपने वो यूज़ कर ले तो इसका मतलब हर दफ़ा वो नया डेटाबेस क्रिएट करेगा। ठीक है जी, फिर यहाँ पर आके मैंने अपनी क्लासेस को जो है वो मैंने जो बनाई है मैं इसको गो थ्रू कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कुछ चेंजिंग भी की है वो आपके सामने आनी चाहिए। एडमिन लॉगिन के नाम से जो मैंने जो क्लास बनाई थी वो उसको देख ले, मैंने एडमिन लॉगिन के नाम से जो क्लास बनाई है उस क्लास के अंदर मैंने ये एडमिन रजिस्ट्रेशन की जो है नाम से टेबल बनेगा और उसके अंदर हमारे पास जो है वो मैंने यहाँ पे एडमिन आईडी है वो मैंने पास कर दी है और उसको मैंने प्राइमरी की दी है। फिर यहाँ पे हमने जो है वो एडमिन फर्स्ट नेम है, फिर इसके बाद एडमिन का लास्ट नेम है, फिर इसका एडमिन का ई मेल है, एडमिन का पासवर्ड है, और फिर इसके बाद हमने इसके बाद एडमिन का कन्फर्म पासवर्ड भी दे दिया। ठीक है जी, ये भी हमने पास कर दिया। इसके अलावा आपने जो है कंफर्म पासवर्ड का और पासवर्ड दोनों ने पास कर दिया और कंपेयर कर दिया इसको एडमिन पासवर्ड के साथ, ये तो मैंने उसको भी किया बता। और यहाँ पे बुकिंग ऑनलाइन की क्लास है, इसके अंदर मैंने चंद एक मैंने कॉलम इजाफा किया है। अगर आप इसको मैच करें अपने पिछले वाले एंटिटीज़ के साथ तो चंद एक कॉलम का मैंने इजाफा किया, तो मैचिंग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैंने बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो कुछ चंद एक चेंजिंग मैंने की है। यहाँ मैं बुकिंग ऑनलाइन के नाम से जो है वो क्लास बना रहा हूँ, इसी नाम से टेबल भी बन जाएगा हमारा। प्राइमरी की बनाई है, यहाँ पे बुकिंग आईडी दे दी मैंने। इसके अलावा
इसके अलावा हमारे पास जो है बुकिंग नेम हो गया, बुकिंग फ़ोन नंबर हो गया, बुकिंग डेट हो गई, बुकिंग टाइम हो गया, और बुकिंग हमारे पास जो है वो स्पेशलाइज्ड हमने पास कर दी कि किस चीज़ में स्पेशलाइज है डॉक्टर के लिए। फिर यहाँ कॉन्टेक्ट के नाम से क्लास है, कॉन्टेक्ट के नाम से जो क्लास है उसमें मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म के नाम से जो है वो अपना जो है वो टेबल बनवा रहा हूँ, और इसके साथ जो है कॉन्टेक्ट आईडी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, सब्जेक्ट है, और फिर मैसेज मैंने पास किया। तो ये अपने उस एंटिटीज़ के साथ मैच करें। डॉक्टर डीबी में आपको आखिर बताता हूँ, क्यूरी के नाम से मैंने क्लास एक बनाई है, एंटिटीज़ बनाई है, और उस एंटिटीज़ को भी आप देखें। इसमें मैंने क्यूरी आईडी, क्यूरी और फिर इसके बाद जो है नाम मैं उससे पूछ रहा हूँ, उसका ईमेल आईडी है, कॉन्टेक्ट है, क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो है मैं इसके फॉल्ट कॉलम भी पास कर रहा हूँ। फिर इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हमारे पास जो नाम से मैंने क्लास बनाई है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एनम पास कर रहा हूँ जेंडर के लिए, तो मेल और फीमेल यहाँ पास होगा, जिसके अगेंस्ट में ड्रॉप डाउन क्रिएट करेगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से टेबल बनेगा, और यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने पास कर दिया, इसके अलावा जो नेम, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे जो है उसका लास्ट नेम ले लिया, और फर्स्ट नेम आ गया, फिर लास्ट नेम आ गया, फिर इसके बाद सिलेक्ट जेंडर हमने जो है डायरेक्टली जो हमने यहाँ इनम पास किया हुआ है वो मैं यहाँ पास कर देता हूँ, तो उसके अगेंस्ट में जो है हमारे पास जो है वो ड्रॉप डाउन आ जाएगा, और कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, फिर एरर मैसेज है, फिर एरर मैसेज सॉरी फिर आर कॉन्टेक्ट के नाम से जो है हमारे जो एंटिटीज़ है, फिर ईमेल के लिए, फिर एड्रेस के लिए, फिर फील्ड है, फिर क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, डॉक्टर किसमें स्पेशलाइजेशन उसने किसमें की हुई है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है उसका, अचीवमेंट डिटेल्स अपनी लिखेगा, फिर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड भी जहाँ लिखेगा, कंफर्म पासवर्ड भी करेगा, और अपनी प्रोफाइल का स्टेट देगा, और इसके अलावा अपनी अदर डिटेल्स भी पास करेगा, फिर अपनी इमेज भी देगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, पहले मैंने इसको दो टेबलों में किया था, इसको मैंने एक ही एंटिटीज में कर दिया, तो आप उसके हिसाब से जो है वो वन 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 इसको जितना भी हमने काम किया हो सबको जो है वो आप बनाएं, और ज़रूर इसके हिसाब से चेंज करें ताकि आप फर्दर आगे काम कर सकें इसके ऊपर। और इसके बाद फिर जो है मैंने यहाँ पर जो है वो डॉक्टर डीबी के नाम से जो है वो जो मैंने क्लास बनाई डेटा एक्सेस लेयर बनाई है, जिससे कंस्ट्रक्टर में भी आपको समझाया, मैंने जो है एक तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे दिया बेसिक कीवर्ड से, और एक ये क्लास यूज़ कर ली है कि अगर कोई चेंजिंग होती है तो देन वो क्या करेगा, दोबारा से एंटिटीज क्रिएट करेगा। फिर इसके अंदर मैंने अपने जो अभी फॉर्म क्लास बनाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, उसके नाम मैंने दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एस लगा दिया मैंने, और कॉन्टेक्ट की क्लास में मैंने कॉन्टेक्ट्स लगा दिया, बुकिंग ऑनलाइन के लिए मैंने बुकिंग ऑनलाइन से एस लगा दिया, क्यूरी के लिए भी आई एस लगा दी, क्यूरीज कर दिया, एडमिन लॉगिन को मैं यहाँ पे एडमिन लॉगिन ही रहने दीजिए, एडमिन लॉगिन कर दें, मसला नहीं हमारे पास, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कह रही जिस नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमें नाम कॉल करने होते हैं। तो देन उस तो मैंने ये सब काम कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ डेटाबेस टेबल क्रिएट हो, तो अब उस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन का रूल यूज़ करना पड़ेगा। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि हम कंट्रोलर बनाते हैं, व्यू बनाते हैं, फिर एप्लीकेशन को रन करते हैं, जब हम रन करते हैं तो वो डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करता है, ठीक है जी। अब मैंने कंट्रोलर भी नहीं बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैंने जो एंटिटीज बनाई है उसके अगेंस्ट में डेटाबेस टेबल क्रिएट हो जाए, ताकि फिर मैं इसके बाद जो है वन बाय वन जो है वो कंट्रोलर बनाऊंगा और मैं उस पर काम करूंगा। तो फिर हम क्या करते हैं उस पर्पज़ के लिए माइग्रेशन का रूल यूज़ करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन में माइग्रेशन के नाम से कोई फोल्डर नहीं है, इसका मतलब माइग्रेशन इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिसेबल होती है, तो डिसेबल ही है, यहाँ माइग्रेशन का फोल्डर आपको नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब माइग्रेशन इसकी डिसेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं माइग्रेशन को इनेबल करते हैं, तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हैं इनेबल डैश माइग्रेशंस। अच्छा माइग्रेशंस को ऑन करने के लिए शर्त क्या है कि आपके पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग वाली जो क्लास जो हम डेटा एक्सेस लेयर क्लास बना रहे होते हैं जो भी मैंने यहाँ बनाई है डॉक्टर डीबी के नाम से, ये ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है जी, ताकि इसके अगेंस्ट में वो जो है माइग्रेशन इनेबल होती है। तो हमने कहा इनेबल डैश माइग्रेशंस, इसके साथ एंटर कर दूंगा, तो आप देखें यहाँ पे वो माइग्रेशन क्रिएट करेगा और यहाँ पे माइग्रेशन का फोल्डर भी बनाएगा, ठीक है। आप देखें यहाँ पे माइग्रेशन का फोल्डर बना दिया है, लेकिन फोल्डर में से कुछ किया नहीं है, क्योंकि हमने कोई काम उसको इंस्ट्रक्शन कोई नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया हमने, इंस्ट्रक्शन उसको कोई भी नहीं दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करते हैं हमने यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे आ गया, बार माइग्रेशन फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से टेबल और डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपकी कमांड होती है ऐड add डैश माइग्रेशन, और फिर आप लिखते हो ऐड टेबल, सिर्फ टेबल लिख दोगे ऐड टेबल, फिर क्या करेगा जितने भी एंटिटीज़ हैं उन सब के अगेंस्ट में तमाम टेबल्स क्रिएट कर देगा। अब देखें तमाम टेबल्स क्रिएट करेगा,
आप इसके बाद जब हम अपडेट करेंगे तो वहाँ पे फिर वो जो है उस वक्त यानी अब इसके लिए सब वो लिखेगा अपने पास, नोट करेगा। देखिए माइग्रेशन के अंदर उसकी हिस्ट्री बना रहा है, जितने भी टेबल्स हैं उन सब की उसने हिस्ट्री जनरेट कर दी है कि किस किस नाम से टेबल है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स है, सारे जनरेट कर रहा है। अभी फिजिकली डेटाबेस के अंदर टेबल नहीं बना, अब आपके पास फिजिकली डेटाबेस के अंदर टेबल मौजूद नहीं बना अभी तक। अब बनाने के लिए क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे अपडेट डैश डेटाबेस। जैसे मैं एंटर कर दूंगा अब वो डेटाबेस भी बनाएगा और टेबल भी बनाएगा, कहाँ पे, एसक्यूएल सर्वर के अंदर। अब देखिए इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट मेरे एसक्यूएल सर्वर के अंदर इस नाम से कोई डेटाबेस नहीं है। जैसे अभी मैंने जो नाम रखा था ऑनलाइन डॉक्टर डीबी ऑनलाइन डॉक्टर रखा था, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डीबी ऑनलाइन डॉक्टर के नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ओके नाम से कोई, डीबी ऑनलाइन के नाम से कोई भी नहीं हमारे पास, ठीक है जी। अब मैं जब ये लिखता हूँ अपडेट डैश डैश डेटाबेस तो अब ये बनाएगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये बनाए भी और मुझे साथ साथ उसका कोड भी बताए, यानी उसका स्क्रिप्ट जो आपका क्रिएट टेबल का स्क्रिप्ट है, क्रिएट डेटाबेस का स्क्रिप्ट है, वो भी साथ में शो करे, तो फिर आप यहाँ पे आके डैश वर्बोस यूज़ करते हो। अब मैं जैसे एंटर कर दूँगा अब ये क्या करेगा, आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्क्रिप्ट भी दिखाएगा, मतलब आपको स्क्रिप्ट भी शो करेगा कि वो क्या क्या स्क्रिप्ट बना रहा है। अब देखें यहाँ पे जो है वो डेटाबेस भी क्रिएट करेगा, टेबल्स भी क्रिएट करेगा और साथ में मुझे उसकी स्क्रिप्ट भी दिखाएगा, ठीक है। अब देखें ये सारी स्क्रिप्ट दिखाई, अब उसने क्रिएट टेबल एक टेबल बनाया, इसने माइग्रेशन हिस्ट्री के नाम से बना रहा है जो बाय डिफॉल्ट बनता ही है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से टेबल बना रहा है, फिर यहाँ पे जो है पेशेंट क्यूरी के नाम से बना रहा है, फिर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फॉर्म के नाम से बना रहा है, फिर यहाँ पे बुकिंग ऑनलाइन के नाम से बना रहा है, तो इसने सारे टेबल्स यहाँ पे उसके स्क्रिप्ट दिखा दी। सो मतलब अब आपके पास वहाँ पे डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अब जब मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास जो है वो डीबी ऑनलाइन जो है डीबी ऑनलाइन डॉक्टर के नाम से मेरे पास जो है वो टेबल सारे क्रिएट हो चुके हैं। माइग्रेशन हिस्ट्री में आप सारी हिस्ट्री पास करता ही, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि हम जो भी चेंजिंग करते हैं वो सारी उसकी चेंजिंग की हिस्ट्री जो है माइग्रेशन हिस्ट्री के टेबल में आती है, और ये उसने टेबल्स बना दिए हैं। और अगर मैं इनको रिलेशनशिप भी देखना चाहता हूँ कि वो क्या बने, क्या हिसाब से बने, तो हम देख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे डीबी ऑनलाइन डॉक्टर मैंने ले लिया, अब मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो हमारे पास जैसे माइग्रेशन को छोड़ के बाकी सारे टेबल्स हमने ऐड कर दिए, तो अब देखें यहाँ पे जो है वो उसने सारे टेबल्स हमारे पास शो कर दिए। कोई मैंने रिलेशनशिप उनके दरमियान में नहीं बनाया है, तो सो मतलब है उसने भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मेरी नीड नहीं थी, ठीक है ना, मेरी नीड नहीं थी, इससे मतलब है यहाँ पे उसने कोई भी जो है रिलेशनशिप नहीं बनाया। इससे पहले जो मैंने एयरलाइन रिजर्वेशन की जो है एंटिटीज़ बनाई थी वहाँ मैंने रिलेशनशिप बनाया था, आप उसको देखिएगा कि वहाँ मैंने 1-to-1 और 1-to-many की रिलेशनशिप बनाया है, लेकिन यहाँ पर मेरी नीड नहीं थी, वहाँ मेरी रिक्वायरमेंट थी, कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई रिलेशनशिप इनके दरमियान में नहीं बनाया। कोई सिंपल यहाँ पे डॉक्टर आएगा अपने आप को ऐड करेगा, फिर पेशेंट आएगा वो यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर लेगा, एडमिन जो उसको जो है उसको उसके पास से डेटा उसका जाएगा और वहाँ से जो है वो उसको देख सकता है, डॉक्टर को देख सकता है, और ये सारी चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी हमारे कोई ऐसी कि मैं उसमें एंटिटीज़ वगैरह क्रिएट करता। तो ये हमारे पास जो है वो सबकी क्रिएट होगी। अब यहाँ तक आप एंटिटीज़ फाइनल करें और उसके बाद में नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में जो है वो एडमिन पैनल पे काम करूँगा, और यहाँ पे हम जो है वो एडमिन पैनल पे आके एडमिन रजिस्ट्रेशन से हम शुरू करेंगे, फिर लॉगिन और फिर वन बाय वन एडमिन के जो चीज़ें इसमें हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ तक आप काम करें, और एंटिटीज़ जो मैंने बनाई है उसको स्पेशली मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने उसके अंदर चेंजिंग की है, आप लाजमी उसकी चेंजिंग को देख लें और उसके अंदर जो भी आपको चाहिए जो भी चेंजिंग करनी है आपको देख लें। आप इसमें स्क्रीन छोटा करके दिखाता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो एडमिन लॉगिन का पेज है, तो ये सारे इसके अंदर हमारे पास जो है कॉलम है। फिर यहाँ पे बुकिंग ऑनलाइन पे आता हूँ तो इसकी भी मैं साइज छोटी करके दिखाता हूँ, तो देखिए बुकिंग ऑनलाइन का ये हमारे पास टोटल जो है एंटिटीज़ है। आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा करें, जो मैंने चेंजिंग की है तो अपने पास भी चेंज कर लें। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, इसकी मैं साइज थोड़ी छोटी करता हूँ ताकि आपके सामने पूरा आ जाए, ठीक है ना। तो ये देखें कॉन्टैक्ट का हमारे पास फॉर्म है, आप इसके हिसाब से सारे कॉलम इसमें रखें। फिर यहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स की जो है मैंने एंटिटीज़ बनाई है, सॉरी वो अपना डेटा एक्सेस लेयर बनाई है, उसके अंदर भी मैंने जो है कंस्ट्रक्टर यूज़ किया और इस क्लास को मैंने यूज़ किया है, वो भी आप इसको देख लें, ठीक है जी। आप यहाँ पे इसको भी देख लें कि मेरे पास क्या क्या मौजूद है, इसके हिसाब से आप अपने पास चेंजिंग कर लें, ठीक है जी। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो क्यूरी का एंटिटीज़ बनाई है, और क्यूरी के एंटिटीज़ के अंदर भी मैंने जो चेंजिंग की है उस हिसाब से आप अपने पास चेंजिंग करें।
क्योंकि पहले वाले कुछ मैंने चेंजिंग इसमें लाया हूँ, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें डाली हैं, और ये बड़ा फॉर्म है तो मैं इसको दो हिस्सों में करता हूँ। देखिए पहले हिस्से में मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ, स्टेट तक, डिस्प्ले नेम स्टेट तक, और फिर डिस्प्ले नेम स्टेट से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इसको यहाँ पर ले आते हैं, या इसको भी आप देख लें वर्क एक्सपीरियंस तक, और वर्क एक्सपीरियंस से फिर आगे मैं इसको एंड तक यहाँ पर ले जाता हूँ, और अपलोड इमेज तक। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल सारे कॉलम आ गए। तो आप अपनी एंटिटीज को मैनेज करें इसके हिसाब से, और फिर इसके बाद फिर मैं जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में एडमिन पैनल पे काम करना शुरू करता हूँ, और फिर इसके बाद हम साथ साथ जो एडमिन पैनल बनाएं, और उसके बाद जो है वो मेन पेज बनाएं। ठीक है जी, कोई भी क्यूरी हो मुझसे कॉन्टेक्ट करें, और कमेंट्स करें, और कमेंट्स में मुझसे पूछें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से जो है मैं आगे काम करता हूँ। तो ये आपकी ही रिक्वायरमेंट थी, इसके अगर मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ मैं, और अगर मेरा चैनल पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और साथ में मेरे से टच में रहें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम भी करता रहूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।